हेलो एवरी वन वेलकम टू टेट बजर दिस इज़ गरिमा योर इंग्लिश टीचर एंड टूडे वी आर बैक विद आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर सैट सो वी आर डिस्कसिंग पेपर नंबर वन पी एस सैट टू थाउजेंड फिफ्टीन इंग्लिश आज जो है टू थाउजेंड फिफ्टीन का जो इंग्लिश का पेपर है पेपर वन जो है पी एस सैट उसका डिस्कशन करा फर्स्ट ऑफ ऑल अस सैट पेपर वन डिस्कशन करा फिर पेपर टू के इंग्लिश पोर्शन डिस्कशन करा PSAT सीटेट ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੁਐਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫੁੱਲ ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਰਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਪੀਡੀਐਫਸ ਟਾਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਥਿਉਰੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਿਊ ਬੈਚਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਪੀਐਸੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਉਹ 1 ਜੂਨ 2022 2022 ਤੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ प्लस पेपर टू की अगर तुम प्रैपरेशन करना चाहते हो बेसिकल कर तो बेसिकली अगर थोड़ी मैथ्स की नीड है सैंस की है या एस एस की है तो मैथ सायंस एस एस दू है लैक्चर थानू तो लाइव प्लस प्री रिकॉर्ड दोनों ही मिलने प्लस मॉक टैस भी मिलेंगे फ्री अगेन वैलिडिटी सेम फस्ट जून तक रहेगी एस एस भी सेम ही है सो फ्री डैम अगर तुम देखना चाहते हो तो टेट बजर की ऐप में थोड़ा गूगल प्ले स्टोर तो इंस्टॉल कर लो सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो सा अज का स्क्रीन के उपर है हू डिफाइनज लैंग्एज एज अ अट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स द परपज ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रैशन टू थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड अस्पेली टू इम्पार्ट दैम टू अदर्स हाँ जी वो कह रहे कि हू डिफाइन एक किन्ने डिफाइन किया कि जो भाषा है अ सैट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स है वो एक्चुअली की है समूह है किना दा? मनुखी आदतों का प्लस द परपज ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रैशन जिसका मकसद की है कि एक बोल ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਅ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲੂਇਸ ਐਚ ਗ੍ਰੇ ਨੇ ਐਡਵਰਡ ਸਾਪਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰਿਸ ਜਾਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਜਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थोड़ा फास्ट चलना आर पी यानी कि रिसीव्ड प्राननाउंसीएशन इज द टाइप ऑफ स्पीच मॉडल यूज बाय द नेटिव स्पीकर्स ऑफ हाँ जी रिसीव्ड प्रानसीएशन कहें कि जिस तरीके का मॉडल है वह टाइप जो है नेटिव स्पीकर सूँ पता है कि रिसीव्ड प्रोनौंसीएशन तो ब्रिटिश ब्रिटिश ने दिता से यानी ब्रिटिश एक्सेंट दिव्लैंड आएगा ही आएगा बट इंगलैंड कितों का साउथ ईस्ट इंग्लैंड साउथ वेस्ट इंग्लैंड नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड एंड नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड सो यंसर इज सउ साउथ ईस्ट इंग्लैंड का है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ग्लॉटस ग्लॉटस की है ग्लॉटस इज द स्पेस बिटवीन द बैक एंड द टंग बैक ऑफ द टंग एंड द बैक फॉल ऑफ द थ्रॉट स्पेस बिटवीन द वोकल कोर्स पार्ट लाइंग ऑपोजिट टू द हार्ट पैलेट पार्ट लाइंग ऑपोजिट टू द सॉफ्ट पैलेट देखो पार्ट लाइन ऑपोजिट टू द सॉफ्ट पैलेट तो सॉफ्ट पैलेट साडा बैक से है उसका ऑपोजिट का फ्रंट आ गया फ्रंट तो ग्लॉटस होंगे ही नहीं है पार्ट लाइन ऑपोजिट टू द हार्ड पैलेट हार्ड पैलेट अपना ऊपर है उसका ऑपोजिट पार्ट नीचे आया यानी कि टंग टंग तो हार्ड पैलेट ग्लॉटस होंगी नहीं है ਫਿਰ ਕਿਰ ਇਸਪੇਸ ਬੀਟਵੀਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਟੰਗ ਬੈਕ ਤੇ ਟੰਗ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਤੇ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਹੈ ਥਰੋਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਵੀ ਟੈਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਪੇਸ ਬੀਟਵੀਨ ਦਾ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਵੋਕਲ ਕੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗਲੋਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਸ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲ ਗ੍ਰਾਮਰ की नाम है फंक्शनल ग्रामर का एक होर हाँ जी सो फंक्शनल ग्रामर का एक होर नाम है डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो कि डिस्क्राइब करती है चीज़ा नैक्सट क्वेश्चन है, not है विच वन इज़ नॉट रिसपोंसिबल फॉर द डिकलाइनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंग्लिश इन द इंडियन स्कूल्स क्वेश्चन ध्यान न समझना नोट न बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चे गलत ताई करके आने नोट न नहीं ध्यान दता वो की कह रहे हैं कि कि बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है इंडियन स्कूल्स में इंग्लिश दू गिरा ठीक है इंग्लिश का स्टैंडर्ड घेरन देखे स्कूलों के जो रिस्पोंसिबल बिल्कुल भी नहीं है सो लैक ऑफ क्लीयर कट ऑबजेक्टिवस ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉल्टी एग्जामीनेशन एंड इवैलुएशन सिस्टम डिवॉटेड एंड कमिटेड टीचर्स अनहाइजेनिक फिजिकल कंडीशन बच्चे देखो हूँ सी ऑप्शन आएगा यदा आंसर क्यों क्योंकि देखो ज टीचर कमिटेड है अपने काम के लिए पूरा तत्पर है जरा डिवोटी है ना जो अपने काम पूरे दिल नाल कर रहा है तो वो वह रिस्पोंसिबल होएगा ही नहीं सो ऑप्शन सी जो है वो गलत है विच ओ ही है मतलब विच द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ इवेलुएशन इवेलुएशन की टेकनीक इन्होंने नहीं है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू रेटिंग स्केल एंड एक्ुसीशन इन जरिए आप इवैलुएशन नहीं करते ऑबजरव करके आप इवैलुएट करते हाँ इंटरव्यू लैके इवैलुएट करते हाँ रेटिंग स्केल देकर इवैलुएट करते हाँ बट एक्ुसीशन तो होंगे नॉलेज नहन करना सो so एक्ुसीशन नहीं करते नैक्सट है जी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो विजुअल एड इन केड़ी है जो ऑडियो विजुअल एड नहीं है कंप्यूटर रेडियो फिल्मस या टैलीविजन देखो कंप्यूटर uh, है फिल्म uh, है टेलीविजन है बट केड़ी नहीं है दैट इज रेडियो रेडियो से आप सिर्फ सुन सकते दे, हैं देख नहीं सकते दे, विजुअलिटी नहीं है इन विच ऑफ दिस वर्ड इज द साउंड फाउंड हाँ जी के जो है साउं टी साउंटी साउंड पाई जाती है छ छ यूथ जच शो हाँ जी सो so, आप चर्च में प्रोनशीएट पहला बहुत अलग तरीके करते बट इनू कहा जाता है चर्च छर्च ठीक है so, सो ये आएगा चर्च ऑप्शन ए आएगा मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर साउंड स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लॉट स्ट्रक्चर सो मॉर्फोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फॉर्म यानी कि वर्ड से स्ट्रक्चर की स्टडी है लेको मॉर्फ morph, मॉरफीम की होंगे है जो है ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ અનਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਨ ਪਲੱਸ ਲਾਈਕ ਪਲੱਸ ਲੀ ਹੈ ਨਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਹੈ ਲੀ ਸੋ ਅਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਨੇ ਮੋਰਫੀਮਸ ਨੇ ਇੰਤੇ ਦੋੜਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚੋਂ ਮੰਗੀਸ ਇਸ ਨੋਟ ਅ ਸਾਈਕਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕ્וויਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਈਕਲੋਜੀਕਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਟ्रेस ਫਰੀ এনवायरमेंट ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਰਿਵਿਊ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟ्रेस ਫਰੀ এনवायरमेंट ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਰਿਵਿਊ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਟ्रेस ਫਰੀ এনवायरमेंट ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ-ਫ੍ਰੀ এনਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟ੍ਰੈਸ-ਫ੍ਰੀ এনਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕ્וויజిਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕ્וויజిਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟਿਸ਼ਨ ਇਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕ્וויజిਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ट्रांसमिट करके रैपिड रिपीट करके एक्शन करके नकल करके सो so, बच्चा नकल करके ही सीखता है सो so, लैंग्वेज कोई भी होवे वो होमीडिएशन ही उसका हो पहला स्टैप होंगी है नैक्सट अमंग द फॉलोइंग इज़ अ रिसैप्टिव स्किलना चो कि जो है वो रिसैप्टिव स्किल है लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग नन ऑफ दिस हाँ जी रिसैपटिव होंगे है ज्ञान अर्जित करने वाली रिसीव करने वाली रिसीव तो अभी सुन के ही करते हैं ना किसी दिवस गल् सुनते हैं तो आप डाटा रिसीव कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड लिसनिंग विच अमंगज इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कनैक्टिड स्पीच इन केड़ा है जो फीचर नहीं है कनैक्टिड स्पीच का स्कैनिंग स्ट्रेस इंटोनेशन या जंक्चर स्कैनिंग जो है वह स्पीच का फीचर नहीं है ये असं रीडिंग लैके आए राइटिंग नहीं लैके आए वट शुड बी द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंगुएज इंग्लिश लैंगुएज न प्रोपर ऑर्डर की है अंति बार्लास कर चुके हाँ कि सू एल आर डब्ल्यू नहीं भूलना चाहिए दा, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग सो आएगा ऑप्शन नंबर बी अ लैंग्वेज लैबोरटरी इज हेल्पफुल इन डिवेलपिंग प्रोफिशंसी इन क्या एक लैंग्वेज लैबोरटरी है वो वह किोफिशेंट करती है बच्चे लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग या राइटिंग लैंगुएज लैब जाके सुन सकते हैं लैंगुएज लैब जाके बोल सकते हैं सो की है ऑप्शन सैवनटी फाइव का जो आएगा वह आएगा बी फस्ट एंड सैकेंड हाँ जी सो न्यू बैचिज जो स्टार्ट हो रहे हैं एस एस मास्टर एंड मिस्ट्रेस कैडर देवी फुल फुलबस कोर्स कराया जाएगा वीडियो प्लस पी डी एफ नोट्स तो नॉन प्रिंटेबल फॉर्म मिलेंगे टॉपिक वाइज थियरी प्लस एम सीक्यूज हो दो भाषाई कोर्स होएगा पंजाबी प्लस इंग्लिशा मिस्टस एंड मास्टर कैडर भी सेम थानू फॉर्मेट मिलेगा हिंदी मास्टर एंड मिस्टस कैडर भी सेम फॉर्मेट मिलेगा फ्री डैमो वेखने टेट बजर की ऐपू गूगल प्ले स्टोर तो हमने ही इंस्टॉल कर लो साइ फ्री व्हाट्सअप ग्रुप्स का हिस्सा बनने लिये अपना नाम पेपर सिटी तो उसी मेल हो या फीमेल हो टाइप करो इस नंबर के उपर जो थोड़ा तो स्क्रीन के उपर शो हो रहा है तो थोड़ा तो अपनी ग्रुप्स केड कर लाँगे नाइट्स टर्न फॉर द पैसेज हाँ जी पैसेज अं रीड आउट करा बट पैसेज अंव रीड आउट करा सू सा सार् मतलब नहीं पता असी नॉन टू अनोन वाल जावे जिन्हा का मतलब पता है वर्ड्स का उन्होंने मतलब तो अनोन वर्ड्स का मीनिंग डिटेक्ट करके आइडिया ऑफ द पैसेज निकालने की कोशिश करा ठीक है जी सो स्टार्ट करते हैं द डिस्ट्रक्शन ऑफ टू जापानी सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑगस्ट 1947 फोर्टी सैवन कि दो जापानी सिटीज़ का जो है बहुत भारी जो है बर्बादी हुई सी कोशिमा नागासाकी दी नाइनटीन फोर्टी फाइव जानू पता ही है बाय द यूज़ ऑफ एटोमिक बॉम्बस कि एटोमिक दे यूज़ नया इस शॉकड एंड होरीफाइड मैनकाइंड बियॉन्ड मेजर्स जिन्हें पूरी पूरी जो है दुनिया जो है मैनकाइंड है इंसानियत को हिला के रखता से डरा के रखता सी मैन हैड डिस्कवर्ड अ न्यू एनर्जी चाहे बंदे ने एक नवे तरीके की ताकत जो है डिस खोजी जो कि बहुत ही वैया गल है but it was extremely tragic to use it for a destruction of human being eh taakat bahut vaddi si par eh bahut dukh di gal hai ki nu use kis liye kita gaya nuksaan pahunchan layi humans da hai na insaniyat insana nu nuksaan pahunchan layi use kita gaya the conscience of all the right thinking persons was awakened and the problem of the proper use of the new energy became a subject for serious consideration kende बहुत सारे जो सही सोच वाले लोग सी, उना नू, उना नू भी बिठाया गया उन्होंने कहा कि उन्होंने भी यही गल की जो मै मैटर है ए ए एक सीरीस मैटर है इन उपर ध्यान देने की लड़ है तो वर्ल्ड वॉर एंडेड बट एक्सपैरीमेंट्स विद एटोमिक एनर्जी कॉन्टीन्यूड कहे वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई ने पर अभी भी है अटोमिक एनर्जी के न एक्सपैरीमेंट्स किए जा रहे हैं मोस्ट ऑफ दैम वर कन्फाइन टू द प्रोडक्शन ऑफ बैटर एंड मोर पावरफुल एटोमिक वैमर्स कुछ तो इदा है जो पहला इनवेंशन डिस्कवरिया हो चुक जिन्ह दियां भी होर देखा जा रहा ताकि उन्हें भी होपन वजी हथियार बन सकन जिमें कि हाइड्रोजन के बंब हो गए कोपाल्ट बॉम्बस हो गए ट्रांस कॉन्टीनेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल्स हो गए अ वेरी लार्ज सैक्शन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड चुड अगेंस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने दुनिया के बहुत सारे लोगों ने इस दे खिलाफ खड़े हुए ठीक है उन्होंने कहा कि न्यूकलीयर आर्मामेंट की जो है भाज न पाओ ये पीछे ना भजो दे डिमांडेड एंड इमीडिएट एंड कंप्लीट बैन कहें कि पूरे तरीके बैन लगा दो ठीक है न्यूकलीयर टेस्ट के उपर किसी तरीके का न्यूकलीयर टैस एक्सपैरीमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि अगर किया गया तो उन्होंने फिर लड़ाई के साधन के तौर पर भी यूज़ किया जाएगा जो कि नुकसान देगा दे नैक्सट है जी मोस्ट पीपल डिजायर टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ एटोमिक वेपन ऑल टूगैदर द लेट प्रोफैसर कहत सारे लोगों ने जो है ਕਿਆ ਕੇ ਬਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਦਾ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਅਪੀਲਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਟੂ ਸੇਵ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਅਨ ਇਮੇਜਿਨੇਬਲ ਹਾਰਰ ਆਫ ਐਨ ਐਟੋਮਿਕ ਵਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਵਲਾਈ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਨੇ ਡਰਾਮ ਨੇ ਐਟੋਮਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲ He also advocated the use of nuclear energy. Ohne ne kya ke esi jagah tu si nuclear energy use karo shanti banaye rakhna vaste for the betterment of poor garibaan di betterment vaste duniya di wealth vidhan vaste his appeal was directed in particular to atomic scientists. Ohdi appeal actually it scientists nu si who should not allow their talents to be used for increasing the chances of war. We can say ki scientists please usi aidan de kaam na karo ke tusi apne talent nu is tarike na use na karo ki oh Uh, लड़ाई बना बधाने चांसिज़ क्रिएट कर दे शुड रैदर यूज देअर ब्रेन फॉर यूटीलाइजिंग अटोमिक एनर्जी फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी है जी तो की है सूँ जनी ब्रेन यूज करने चाहिए अटोमिक ताकि असी अटोमिक एनर्जी ने यूटिलाइज करिए कि भलाई लंसानियत की भलाई ल साउंडस ऑफ दिस व्यू पॉइंट हैज़ अपील टू ऑल रिजनेबल पीपल एंड लवरस ऑफ पीस सो की है जो ए है जो भी शांति चाहते हैं वो सबू य चीज़ बहुत वजिए लगी सी सही लगी सी सो हन क्वेश्चन की गल करते हैं व कुछ कुछ आइडिया सू हो गया है है ना वट इज़ एक्सट्रीमली ट्रैजिक ट्रैजिकी चीज़ बहुत ही दर्दनाक है डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ अनचेक्ड डेवलपमेंट ऑफ एटम बॉम्ब्स हॉरर फॉर मैनकाइड फ्रॉम एटम बॉम्बस यूज़ ऑफ एटोमिक बॉम्बस अगेंस्ट मैनकाइड इन चो कि चीज़ है येस यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्बस अगेंस्ट मैनकाइड इज़ द राइट आंसर what become a subject of serious consideration ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ डिस्ट्रक्शन ऑफ ਹਿਊਮਨ ਬੀings ਸ਼ੌਕ ਐਂਡ ਹਾਰਰ ਬਿਯੋਂਡ ਮੈਜ਼ਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨਨ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਨਵੇਂ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ एक्सपैरीमेंट्स आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर डन फॉर हाँ जी एक्सपैरीमेंट्स वर्ल्ड वॉर के एंड होने कि होंगे नहीं प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल टूल्स एंड प्लांट्स प्रोडक्शन ऑफ मोर पावरफुल एटोमिक वैपनस रीबिल्डिंग द डिस्ट्रॉयड सिटीज़ मैन्यूफैक्चर ऑफ एटोमिक वैपनस की किया जाता है जी नवे होर अटोमिक वैपनस बधाए जा बनाए जा रहे हैं होर वरीके ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज नॉट डायरैक्टली एन अपील मेड बाय आइनसटाइन इन अपील आइनसटाइन ने डायरक्ट वे नहीं की इनडायरैक्टली की हो सकती है प्रोडक्शन ऑफ अटोमिक वैपन शुड भी स्टॉपड ऑल टूगैदर क्योंकि इन्हों की प्रोडक्शन बिल्कुल रोक देनी चाहिए है सैंटिस्ट शुड सेव मैनकाइड फ्रॉम एन अटोमिक वॉर विद इट्स होरर हाँ जी सटिस्ट न मैनकाइंड बचा के रखना चाहिए अटोमिक वॉर तो न्यूकलीयर एनर्जीज शुड बी यूज फॉर पीसफुल परपज़ कहते न्यूक्लीयर एनर्ज़ करो शांति बनाए रखने साइंटिस्ट टैलेंट्स शुड नॉट बी यूज फॉर इनक्रीजिंग द चांसेस ऑफ वार सटिस्ट के टैलेंट्स को ना यूज़ करो जो है लड़ाई विधान उन्होंने कहने का मतलब ये कि पटो एटोमिक वॉर जो है वैपनस है उन्होंने बंद कर दो ਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਰ ਲੈਕ ਬਾਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਵੈਪਨਸ ਜੋ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਪੀਲ ਟੂ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਪੀਪਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਅ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸੋ 80th ਦਾ ਆਏਗਾ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੋ Which of the following is nearly opposite in meaning to the word appealed as used in the passage? Appealed का बिल्कुल opposite की है. Appealed का मतलब उनका गुहार लगाना, मतलब ये request करना. So ये ना opposite क्यों होगा? Notice, commanded, requested, persuaded. देखो एक बार request करें, एक बार किसी ने order दे रहे हैं. है ना तो order वाले तक command शब्द उन्हें है ना command देती. Choose a suitable synonym for the word tremendous. Tremendous दे ले अपाकी है suitable synonym choose करना है. फेयरफुल मच इमेंस या फिर होरेबल ट्रमेंडेंस बहुत ही वदिया. ठीक है डर, ज़्यादा, horrible डरावना सो इमेंस आएगा बहुत वीडियो चूज द सुबोनियम फॉर द वर्ड सबजेक्ट एज ए यूज इन पैसेज Subject जो है में करना है, टॉपिक एक्सपोज fact. वट इज योर सब्जैक्ट वट इज योर टॉपिक है ना आप कहने की सब्जेक्ट है की टॉपिक है किस मैटर से गल हो रही है अगैन देर इज अनादर पैसेज टू थिंक ऑफ द जीनीसिज एंड द गि एंड द गिफ्ट हैज हैविंग यूनीकली डिफरेंटली डिफरेंट ब्रेन इज ओनली रीजन इफ वी एक्सैप्टैट ईच ह्यूमन ब्रेन इज यूनीकली डिफरेंट कू थिंक ऑफ जीनियस क्या जीनीयस लोगों के बारे में सोचिए एंड द गिफ्टड तो जो गिफ्टिड बच्चे ने आप कहने ਉਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੂ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਨ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਫ ਵੀ ਅਕਸੈਪਟ ਥੈਟ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਅਸ ਈਵਨ ਮੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਮਨ ਅਨਦਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੈ in the purpose of being educated we can learn from the achievements of those who uh, those more gifted than ourselves kende ke jadon apna education de mamle ch gal karde ha we can learn from the achievements assi kittho sikh sakde ha assi achievements ton sikh sakde ha kinan diyan gifted of those more gifted than us jo sade nalon zyada gifted ne but before we try to emulate geniusness par jadon assi geniusness lian ton pehla or encourage children to do so ya fir apne bachcha nu encourage karan to pehla we should note that some of the things we learn from them ki kuch cheezan sare note down karke rakh lene jiddiyan ki jehdiyan cheezan asi onna to sikhian ne sikhniyan ne thik hai jinna nu asi change nahi karda we may envy their achievements and fame ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ ਪੇਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਫਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਦੇ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ देयर ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ द डिमांड्स पाउन दियर एनर्जी एंड टाइम एंड हाउ ऑफन दे हैव टू डिप्ले ग्रिएट करेज टू प्रिजर्व देर इंटेग्रिटी और टू मेक देयर वे टू द टॉप कि किाइम न्यूटलाइज किया होगा कि डिमांड उन्होंने टाइम मिल जाए है ना करेज कि हिम्मत सगी कि टॉप पर जा सकन यीनियस एंड गिफ्टेस आर रेलेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव टर्म्स केंद्र आपस बहुत रिलेट कर दें टर्म्स से यह डिस्क्राइब भी कर दें एक दूजे ठीक है वी मे एट बेस्ट गिव दैम सम

ਏਸੀ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਗਿਫਟਡ ਚਿਲड्रन ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ 84th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਵਿਚ ਸੈਂਸ ਦ ਜੀਨੀਅਸ ਜੀਨੀਸਿਸ ਐਂਡ ਦ ਗਿਫਟਡ ਹੈਵ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਕਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਈਚ ਪਰਸਨਸ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਨੀਅਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਫਟਡ ਵਿਦ ਐਨ ਐਕਸਲੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਐਕਸਲੈਂਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ સુપીરિયર ਹੁੰਦੇ ਨੇ 84 ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਸ਼ਾਪਨਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਚਾਈਲਡ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਾ ਵਧੀਆਂ ਕਰਨਾ ਟੂ ਵਾਈਡਨ ਗੈਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਚਿਲड्रन ਮੱਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੈਪਸ ਜੋ ਪੈ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੋ 85 परपज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये कि बच्चों so का जो टैलेंट है उसनों शार्प किया जाए वट इज़ द टर्म एम्यूलेट रैफर्स टू इन द पेस रे एम्यूलेट का मतलब की है कॉपी करना टू गैट इंसपीरे फ्रॉम अदर्स अचीवमेंट दूसरे दचीवमेंट्स तो की लैंना इंस्पीरेशन लाइना टू कंप्लीट विद अदरस दूज पूरे होना सो एटी सिक्स आएगा बी इंस्पीरेशन लैना दूजी अचीवमेंट्स तो विच थिंग मे प्रूव अनपैलेटेबल इन द प्रोस ऑफ एम्यूलेटिंग अचीनियस

किफ्टी चिल्ड्रन आर नॉट क डिफरेंट फ्रॉम अदरस दूसरों को अलग नहीं होंगे दे डिफर ओनली इन डिग्री सिर्फ डिग्री में फर्क है दे हैव जस डिवेप दर अबिल टू अयर लैवल बस थोड़ा जि एबिलिटीज़ में दूसरे तो अगे ने ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल सारे बच्चे बराबर होते हैं जिन्हें आर इंड विद एक्सट्रा ऑर्डनरी जिन्हें इसको दिमाग बखरा हूं एक्सट्रा ऑर्डनरी होंच कोई भी नहीं सो एटी एट का ऑप्शन किया आएगा ए आएगा वट डू यू मीन बाय डेली डेली मतलब कि होंगे है डे डेल्च receive annulate ya none of these delz ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ mislead ਕਰਨਾ receive ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ annulate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ওভারਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਪਰ ਹੀ ਪਰ ਦੇਣਾ so del ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ डिसीव करना हरा मतलब कि किसी हराना वी मे एट बेस्ट गिवन दैम सम प्रोसेस प्रोसीजन बाय डिफाइनिंग दैम एंड प्लेसिंग दैम इन कॉन्टेक्स वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट तो की समझ आती है एबिलिटीज़ न डिफाइन कर रहा है या पर्टिकुलर एबिलिटीज़ में जो है मेजर कर रहा है ये दोनों काम कर रहा है सो नाइनटीन का है बी क्वानिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एबिलिटीज़ इन पर्टिकुलर सिचुएशन सो दिस इज़ टूडेज़ लास्ट क्वेश्चन पी एच एड पेपर वन पी एस एड पेपर टू मैथ सैंस एंड पी एस एड पेपर टू एस एस दारी सूँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो बिल्कुल नवे बैच स्टार्ट हो गए हैं फ्री टाइम होती टैट बजरती एप गूगल प्ले स्टोर तो इंस्टॉल करके देख सकते हो साइड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बनने लगा नेम अपनी पेपर अपनी सिटी जो है मेल हो या फीमेल हो स्क्रीन से नंबर के उपर मैसेज करो अड कर लेंगे यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल यू कैन फॉलो एस ऑन इंस्टाग्राम यू कैन लाइक आवर फेसबुक पेज ऑल द लिंकस आर ऑन योर स्क्रीनस सो यू कैन यूज इट प्लीज़ टेस्ट पजन लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करना ना भूलिया जे ठीक है जी थैंक यू सो मच कल फिर मिलते हैं एक होर नवी सीरीज के न